कौशलगढ़, कोसली, रेवाड़ी, हरियाणा मिसाल बनकर उभरी कोसली की सरपंच उर्मिला यादव। कलाम ने भी किया था उन्हें सम्मानित, माना था उनके काम करने का लोहा। मिलिट्री क्रॉस से सम्मानित स्वर्गीय मेजर उमराव सिंह कोसलिया की पुत्र वधू थी स्वर्गीय उर्मिला यादव जी। दोस्तों, ये उन दिनों अखबारों की सुर्खियां थी। महिला सशक्तिकरण के इस दौर में उर्मिला यादव जी ने वास्तव में ही इस बात को साबित कर दिया था कि महिला अगर अपनी पर आए तो किसी भी कार्य को करने में सक्षम साबित होती है। आज बात कर रहा हूँ हरियाणा के रेवाड़ी जिले के गांव कोसली की भूतपूर्व सरपंच स्वर्गीय उर्मिला यादव जी की, जिन्होंने अपने काम के दम पर लोगों में अपनी एक विशेष पहचान बनाई। सुनिएगा, मैं हूँ रवि यादव। महिला सशक्तिकरण के इस दौर में भी महिलाएं घूंघट से बाहर नहीं निकल पा रही थी। पंचायत प्रतिनिधि के रूप में चुनकर आने वाली महिलाएं भी चूल्हे चौके तक ही सीमित थी। जिले में अधिकतर महिलाओं के पति या उनके बेटे ही उनके नाम से चौधर कर रहे थे। वहीं कोसली गांव की महिला सरपंच उर्मिला यादव इन सब बातों से परे थी। गांव के विकास कार्यों से लेकर पंचायती कार्यों को निपटाने के लिए वो स्वयं भागदौड़ करती थी। वे गांव के विकास और समाज हित में कोई भी बड़े से बड़ा निर्णय लेने में सक्षम थी। सामाजिक सोच, बेहतरीन कार्यशैली, जुझारूपन व संघर्षशील होने के कारण उन्हें तीसरी बार करीब 15,000 की आबादी, 52 बंगले व 52 मोहल्लों वाले ऐतिहासिक व सैन्य परंपरा वाले गांव कोसली का सरपंच बनने का गौरव हासिल हुआ था। अपने पति की मौत के बाद वे पहली बार 1991 में कोसली की निर्विरोध पंच निर्वाचित हुई थी। इसके बाद वे वर्ष 1994 से 2004 तक लगातार दो योजनाओं में बतौर सरपंच कोसली गांव की चौथर संभाल चुकी थी। पहले कार्यकाल में उन्होंने गांव की पंचायती भूमि पर 34 दुकानों का निर्माण करवाकर बाजार का विस्तार किया। गांव की सफाई के लिए पंचायत स्तर पर सफाई कर्मी लगाए। गांव के राजकीय कन्या हाई स्कूल को अपग्रेड करवाकर 12वीं कक्षा तक का दर्जा दिलवाया तथा स्कूल में भवन विस्तार के साथ विशाल हाल का निर्माण करवाया और गांव की गलियों के रास्ते पक्के करवाए। लोगों को समय पर न्याय दिलाने के उद्देश्य से भवन के अभाव में उन्हीं के प्रयासों से गांव के पंचायत घर में सब कोर्ट शुरू की गई थी। राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हुई सरपंच उर्मिला यादव जी ने गांव में लड़कियों की शिक्षा के लिए अनेक सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार, पेयजल आपूर्ति की बेहतरीन व्यवस्था, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या आदि सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए चलाए गए जागरूकता कार्यक्रमों को लेकर सरपंच उर्मिला यादव जी को वर्ष 2001 में सामाजिक विज्ञान संस्थान नई दिल्ली की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर महिला पंचायत लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्हें पंचायती विकास कार्यों व सामाजिक रचनात्मक गतिविधियों को लेकर अगस्त 2003 में नई दिल्ली में आयोजित ग्राम सभा से लोकसभा तक महिला सरपंच सशक्तिकरण अभियान के तहत तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. APJ अब्दुल कलाम की ओर से प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया था। श्री कृष्ण कला साहित्य अकादमी इंदौर की ओर से भी उन्हें सच्चे समाज सेवी के रूप में भगवान सिंह यादव सम्मान प्रदान किया गया था। दोस्तों, आज उर्मिला यादव जी हम सबके बीच में नहीं हैं, लेकिन उनके किए हुए कार्य आज भी लोगों की जुबां पर है।
आइए हम सभी स्वर्गीय उर्मिला यादव जी के कार्यों से सीखते हुए अपने आप को भी उन्हीं के जैसा काम करने के प्रति जागरूक बनाएं। शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।